नमस्कार, मैं प्रवीणा गावित। एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सोने के दाम बढ़ने की वजह से इसका असर सोने की खरीदारी पर पड़ सकता है। सोने की खरीदी के लिए महत्वपूर्ण मुहूर्त अक्षय तृतीया पहचाना जाता है। मात्र अब अक्षय तृतीया को सोना खरीदी करना सर्व सामान्य के आवक में नहीं। कल 18 अप्रैल अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, उसी पार्श्वभूमि पर सोने का दाम बढ़े हैं। फिलहाल सोने का भाव 32,000 से भी ज्यादा है। इस वजह से 3:30 शुभ मुहूर्त से एक पूर्ण मुहूर्त अक्षय तृतीया पहचाना जाता है और इस शुभ मुहूर्त के अवसर पर सोने की खरीदी की जाती है, लेकिन दाम बढ़ने के कारण खरीदारी पर इसका असर होगा। पिछले कुछ सालों में पहली बार इस वर्ष अक्षय तृतीया को सोने का सर्वाधिक भाव है और चांदी के भाव भी 40,000 रुपए किलो है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आने वाले कुछ दिनों में तापमान और भी ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा हवामान विभाग ने सूचित किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में 2 से 3 अंश सेल्सियस तापमान बढ़ने के आसार है। दिन ब दिन गर्मी बढ़ने के कारण तापमान की तीव्रता बढ़ते नजर आ रही है। देश के वायव्य और मध्य भागों में अगले 4 दिन तापमान ज्यादा होने की शक्यता है। इस वजह से उत्तर, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कई विभागों में 40 अंश से आगे तापमान जाने की संभावना है। राजस्थान में और तेज तापमान होने की संभावना है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पे दिन के तापमान में 2 से 3 अंश सेल्सियस वृद्धि होने के आसार है और मुंबई में भी कमाल तापमान बढ़ेगा, ऐसा हवामान विभाग ने सूचित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। 11वीं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में शुरू होगी। इस वजह से विद्यार्थी और पालकों की प्रवेश के लिए तैयारियां शुरू है। राज्य शिक्षण मंडल की ओर से ली जाने वाली 10वीं की परीक्षाएं खत्म हुई है और अब सब छात्रों के साथ पालकों की भी एडमिशन के लिए लगभग शुरू हुई है। 11वीं ऑनलाइन प्रवेश के लिए महाविद्यालयों की पंजीकरण प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में शुरू होगी, ऐसी जानकारी मुंबई उप संचालक कार्यालय से दी गई है। 11वीं ऑनलाइन प्रवेश के तैयारियों के लिए मीटिंग शुरू है और जल्द ही महाविद्यालय ऑनलाइन पंजीकरण संबंध के पत्र जारी किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले, एमवीटीवी न्यूज। अब बेस्ट रेलवे मेट्रो मोनो के लिए एक ही टिकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस निर्णय की अमल बजावनी दिवाली के शुभ अवसर पर की जाएगी। बेस्ट उपनगरीय रेलवे मेट्रो और मोनो, इन सार्वजनिक वाहतूक सेवा के लिए एक ही टिकट व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने मान्यता दी है। उसके अनुसार ये प्रणाली विकसित करने के लिए मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने निविदा प्रक्रिया शुरू की है। आने वाले शुभ मुहूर्त पर लोगों को प्रत्यक्ष में इस योजना का लाभ देने का प्राधिकरण का प्रयत्न है, ऐसा एक उच्च पदस्थ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है। इस योजना के लिए रेलवे और राज्य सरकार इनके संयुक्त विद्यमान से एक विशेष उप कंपनी स्थापना की जाएगी और इसके लिए प्राधिकरण ने 130 करोड़ रुपए उपलब्ध किए हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले, एमवीटीवी न्यूज। राज्य सरकार ने 2011 तक के झोपड़ियों को अभय देने का धोरण जाहिर किया है, इस वजह से अब इन झोपड़ियों को लाभ मिलेगा। महापालिका के विभाग में सिडको, एमआईडीसी और शासकीय जमीन पर झोपड़पट्टियों का विस्तार हुआ है। महापालिका ने सन 2001 में किए सर्वेक्षण के अनुसार शहरों में 41,805 झोपड़ी है, उसमें से 1995 से पहले पात्र हुई 19,089 झोपड़ी है और अपात्र झोपड़ियों की संख्या 22,716 है। शहर में सबसे अधिक झोपड़ियां एमआईडीसी के जगहों पर बनाई गई है। पिछले 10 साल में इसमें लक्षणीय बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार ने 2011 तक के झोपड़ियों को अभय देने वाला सुधारित धोरण जाहिर किया है। राज्य सरकार का यह निर्णय 2000 के बाद बनाई हजारों झोपड़िया धारकों को दिलासा देने वाला है। विशेषतः पिछले 10 सालों में नई मुंबई में बेकायदा झोपड़ियों का प्रमाण ज्यादा बढ़ा है। राज्य सरकार के सुधारित धोरण का लाभ अब इस झोपड़ियों को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले, एमवीटीवी न्यूज। एमवीटीवी के समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले समाचार में। तब तक के लिए नमस्कार।